कभी इसमें सोचना क्या है, मैं विदेश में तो रह नहीं रहा हूँ, हमारे देश के नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। और आप मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, चलिए आप मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, वो पुराना घिसे पीटे जवाब मत दीजिएगा। आप एक दो तीन चार लोग हैं और एक आपके साथ में पांच भी हैं, पांच लोग हैं, आप पांच में से पांच फायदे ही बता दीजिए मोदी जी ने क्या अच्छे काम करे, आप तारीफ भी कर लेंगे। गिना दो है 5 किलो अनाज कहाँ आपके घर आया, 5 किलो अनाज एक मिनट पांच किलो अनाज आपके घर में, एक एक करके बात कर लेते, 5 किलो अनाज आपके घर में आया किसको, करोड़पतियों तो आप एक भाई मुझे बताइए एक मिनट, ये मुकेश अंबानी टाटा बिरला लग रहा है आपको मेरे साथ में खड़े हुए, आपको मिला 5 किलो अनाज? नहीं, हमें तो कहे थे, पर हमें कहे थे पर गरीबों को नहीं मिल रहा, करोड़पतियों को मिल रहा। सुन लिया, हमें आवास देने के लिए SDM साहब ने बोला था कि आवास ले लो चुप हो जाओ, नहीं पर गरीबों के नहीं बना है। ठीक है, आप एक बताइए, हाँ एक मिनट, आपने कहा पहले आपकी ये वाली बात तो झूठी हो गई, आपने कहा कि अनाज मिला, आपको मिला अनाज? नहीं, इनको भी नहीं मिला, ये भी आपको मुकेश, ये धीरूभाई अंबानी, ये मुकेश अंबानी है ना, 50 करोड़ में आते होंगे ना, 80 करोड़। ओहो, ये भी है क्या? अच्छा, 80 करोड़ को मिला है, 50 करोड़। आपके पास कौन सी वाली लिस्ट है? आप अपने, आपके यूपी में, आप तो यूपी से ही लगते हैं। हाँ हाँ, आइए 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 आइए, आप आ गए, आइए आइए, बोला गया 80 करोड़ लोगों को। आप यूपी से हैं? हाँ बिल्कुल। आपके कितने रिश्तेदारों को मिला, आपके कितने रिश्तेदारों को मिला बता दो, लिस्टेड होते हैं उनको मिलता है। तो आपके रिश्तेदार लिस्टेड नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है? बताओ, नहीं जो लिस्टेड है वहाँ लोग पहले से चुने हुए। कहाँ से हैं चुने हुए? चुने हुए मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, धीरूभाई अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं, जनता को मिला नहीं। आपका जो मन में आए, अनाज मिल गया 5 किलो, अब दूसरा भाई ने क्या बोला, क्या मिला? हाँ बताइए, कितनी बार आप यूपी के अंदर टॉयलेट करने गए हैं, जरा ये बताइए, आप तो यूपी रहते हैं, कितनी बार गए शौचालय? हम तो दिल्ली रहते हैं। हम तो, अब आप दिल्ली रहेंगे? हाँ, वाह, आपके सवाल का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आप नहीं, यूपी मतलब रहने वाले वहाँ के? हाँ, यूपी रहने वाले हैं, लेकिन शौचालय करने यहाँ दिल्ली आते हैं ना, है ना, सुबह उठते ही आपको, नहीं सुबह उठते ही जैसी प्रेशर लगा दिल्ली, क्या आप बात कर रहे हैं? सुनिए, अभी तो दो ही हुए, तीसरा और गिनाइए, 5 गिनाने ना, तीसरा और गिनाइए। बाकी अच्छा, हाँ अरे सुन तो लीजिए, एक एक करके आए थे, हाँ 22 में 2 गुनी आए होने जा रही है, 22 में आए 2 गुनी, आए दुगनी, कहाँ से होगी 22 में आए दुगनी, कहाँ से हो जाएगी? अरे शुरू होने तो 22 को भाई, नहीं कहाँ से, ये बताओ ना कहाँ से हो जाएगी, उन्होंने बोला है तो करेंगे, कहाँ से करेंगे? अवतार ले रहे हैं भगवान पृथ्वी पे है, एक मिनट रुको, इनको लेते हैं अभी, बोल रखा ना मोदी जी ने, बोल रखा है मोदी जी ने, तो 15 लाख का भी बोला था, अब तक मिले आपको? तो मना कर दिया ना 15 लाख, तो वो 22 में कह देंगे मैंने मना कर दिया, 22 में कह देंगे मना कर दिया मैंने, आय दुगनी नहीं होगी, फिर क्या कर लोगे आप? क्या मानना पड़ेगा? अब मैं आप एक बात, आप सुनिए, अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप एक काम करिए, आप अपना घर आज ही छोड़ दीजिए, आपको 22 में ना 5 मंजिला बहुमंजिला इमारत क्या कोठी दूंगा आपको, छोड़ दोगे अपना घर? तो क्यों सरकार की बात पे कैसे यकीन कर लोगे, मतलब सरकार की बात? अभी आपको पता, देखो आपको अभी पता है मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ, पता ही नहीं पता आपको, पता है नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं झूठ, काहे बोल रहे हैं? क्यों, एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है, हम नहीं बोल सकते झूठ, ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, हम झूठ नहीं बोल सकते। और ये तो हाँ कर रहे हैं, आपने कब देखा मुझे स्विट्जरलैंड जाते हुए? क्या बात, आप तो गजब आदमी है भैया। हाँ जी, प्रधानमंत्री झूठ काम बोल रहा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी सच बोला, तो आप मुझे बताइए बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, मैं भी सफर कर लूँ? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, मंगल पे चल रहा है, बुलेट ट्रेन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे? अभी तो काम चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, उसमें भी काम चल रहा है, कोरोना आ गया बीच में, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कहाँ बन गया? हाँ हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा, है ना, क्या मतलब लखनऊ बनारस तो सिटी बनाने के लिए बोल रहे हैं, सिटी पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं, बनारस जाने के लिए घुटने घुटने तक पानी भर रहा है और आप कह रहे हो कि बनारस के लिए स्मार्ट सिटी बना दी, हम तो देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं आप, दिखा दो क्या देख रहे हैं, हमें भी तो दिखा दो, पोस्टर लगे नहीं आपने देखा नहीं मेट्रो से? एक काम करता हूँ, आप सुनिए, आप तो खैनी भी खाते हैं और खाना भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, आपको एक काम करता हूँ, खैनी और खाना दोनों आपका छीन लेता हूँ और आपके घर के अंदर पोस्टर लगा दूँ, आपका पेट भर जाएगा? तो आपके घर पे भी पोस्टर लगाऊं? दो दिन गाना लगाइयो। हाँ काम किया वो तो लगा रहे हैं, क्या काम, क्या काम किया है, किस चीज का पोस्टर लगा हुआ है,
कहाँ मिला 4 लाख रोजगार? आप में अपनी समझ नहीं है, आप सरकार की समझ से चलते हैं। एक बात मुझे बताइए, 2 साल से तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, लोगों की नौकरियां छीनी है, तो 4 लाख रोजगार कहाँ मिला है झूठ बोलने पे? 2 साल पहले दिया होगा। क्या अभी ये रोजगार की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं? आपकी डिग्री है, आपकी डिग्री क्या मिला है? आपकी डिग्री है, सामने आओ। पत्रकार तो पत्रकार, कैमरामैन भी चू चपड़ कर रहे हैं। वाह भाई वाह, आपको क्या मिला है मोदी जी की तरफ से ये बताइए ना, क्या आपको मिला है? नाम बताइए, अभी देख लेता हूँ डाल के, बताइए जरा, ये सामने आइए ना। अरे सामने तो आइए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, एक बात तो सच बता दो, डरते क्यों? नाम डाल के देख लेते हैं, बताइए। हाँ जी, मनमोहन सिंह के 2 काम गिनवा दीजिए, आप ही गिनवा। किसके लिए ये? आप एक बात मुझे बताइए, मनमोहन सिंह का, मैं क्या मनमोहन सिंह को प्रमोट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, फिर भी आपको गिना देते हैं? नहीं नहीं, एक मिनट आपको बता देता हूँ, देश की इकोनॉमी का क्या हाल था 2014 से पहले, कितने नंबर पे थी? 5 टॉप में आती थी, नहीं आती थी भारत देश की इकोनॉमी? आती थी ना, आती थी। 5 देशों के नाम बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ हाँ करने से मतलब है, पता कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हाँ है देश का। अरे तो भारत भी तो आता था इन 5 देशों में। चलो आप एक मिनट आपकी आज इधर आ जाओ, दा मिथिला, आज एक मिनट एक दा मिथिला के लिए एक एक्सपोज करूं क्या? मैं चीज पूछेंगे दा मिथिला के लिए करूं एक्सपोज, क्यों गलत बात है? ऐसा करोगे तो हम भी एक्सपोज कर लेंगे। करिए करिए ना, अरे करिए, क्यों नहीं जी? सवाल है, सवाल सुनिए, यहाँ सवाल कांग्रेस का नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हमें भी पता है। सुनिए सुनिए, हमें भी एक मिनट रुकिए, अरे आप सुनिए, बहुत देर मजाकोगे, सुनिए। आप उठपटांग सवाल पूछेंगे, आप कल को कह देंगे, आप कल को कह देंगे कि मोदी जी ने लोगों को रोजगार दिया, राशन दिया, खाना दिया, पानी दिया, तो नहीं दिया? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप लोगों की, अरे आप सुनेंगे, सुनने का काम करेंगे, आप लोगों की वजह से हमारे देश का भाजपा का प्रधानमंत्री वहां लाल किले पे खड़े होकर 100-100 करोड़ के पैकेज बांटता है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसके मुंह पे माइक लगा के पूछें कि वो 100 करोड़ रुपया आएगा कहां से। आप 20,000 करोड़ का चूरन, 100 करोड़ का चूरन, अरे जिसके मुंह से सुनो 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, अबे 100 करोड़ गया कहां ये तो बता। आपने हम लोगों से 5 सवाल किया, हाँ 2 सवाल किया, हाँ जवाब दे, तो मैं भी तो आपको जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ ना, मिथिला के लिए सामने आकर जवाब कर, क्वेश्चन करिए ना। डरते हैं सामने आने से, डरते हैं सामने आने से, हैं डरते हैं सामने आने से, सामने आके सवाल करिए, जवाब भी मिलेगा सवाल का, बताइए क्या बात कर रहे हैं। अरे सामने आके सवाल करिए, सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको, क्यों काम करें? आपके कहने से काम करूंगा, किसके लिए? कांग्रेस का। एक बात आप मुझे बताइए, टीएमसी कांग्रेस है? टीएमसी कांग्रेस है, टीएमसी के प्रवक्ता हैं कौन? नहीं एक बात है, मैंने कलकत्ता में इलेक्शन कैंपेनिंग करा था, कलकत्ता में ममता बनर्जी को सपोर्ट करा क्योंकि किसानों ने करा। एक बात बताइए, कांग्रेस से है ममता बनर्जी है? एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों है? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है, आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं वरना आपको दे देता, लगा लेते। आपको काय बात की जलन है? सरकार से सवाल पूछना कानूनन अपराध है, देशद्रोह है, 144 लगाएंगे मेरे ऊपर है? अरे हमारा लीगल राइट है, आप किसान पर लाठी चार्ज हो जाए तो आपको मजाक लगता है, किसान को मार दिया, पीट दिया जाए, किसान की वहां पर हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उसको लेकर सरकार नहीं बोलती, किसान नहीं बोलते। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार क्या बोलती है? सरकार कहती है कि उन्होंने रोड घेर रखा था, लोगों को परेशानी थी इसलिए लाठी चार्ज करी। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, अगर किसी के अंदर दम है, पुलिस वाले के अंदर या अधिकारियों में दम है, हरियाणा के मुख्यमंत्री में दम है, तो जब मुख्यमंत्रियों का नेताओं का काफिला निकलता है तो इन्हों के अंदर औकात है इनकी कि नेताओं के काफिले पे डंडे मारे? बताइए, तब भी तो रोड को बंद किया जाता है, मतलब किसान बैठ जाए तो आपको दिक्कत है। अभी कल्याण सिंह की वो हुई 13वीं शोक सभा जो भी होती है वो हुई, उसमें आपने देखा कितने सारे लोगों को भोजन कराया गया? 80,000 लोग आए, मात्र मानते हैं इनको 80,000 लोग हैं। यहाँ एक मिनट, यहाँ 200 किसानों को दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने की परमिशन नहीं मिलती और आप कहते हैं मात्र 80,000? वाह भाई वाह, मोदी जी की चाटुकारिता करने वाले लोगों, वाह वाह। आज मैं समझा कि आज हमारे देश का बेड़ा गर्क क्यों है। आप लोगों की वजह से 7 साल तक ये देश गर्त में गया, इसका जिम्मेदार जनता को मत ठहराइए। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, किसको 5 तारीख को लाखों लोग इकट्ठे होंगे। एक बात आप मुझे दीजिए, 5 तारीख की अभी हमारी जनसभा नहीं हुई है, 80,000 लोगों की आपको जनसभा मात्र दिखती है और हमारे लाख लोग आपको लाख 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 3 बार लाख है ना, है ना, और तलाक को भी तलाक 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 चिल्लाते हैं आप एक बात बताइए, जैसे आप सरकार की नज़र से देखते हैं सरकार को, आप किसानों को भी तो सरकार की नज़र से ही देखिए, क्यों नहीं देखते किसानों की? आप एक बात बताइए, किसान यहाँ क्यों बैठा है?
अब आप कहते हैं किसान राजनीति करता है, किसान क्यों करेगा राजनीति, सरकार के अंदर करता मैं तो वापस ले कृषि कानून, आज ही घर चला जाएगा, ये तो पागल है बैठा हुआ है, पागल है। आप राजनीति करवा रहे हैं तो कर रहा है, और राजनीति नहीं कर रहा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो अधिकार है इनके लोकतंत्र में। अच्छा मुझे एक सवाल है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो करनाल में हुआ है घटना हुई वो सारा प्री प्लानिंग था खट्टर सरकार का या एसटीएम का, आप क्या मानते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि प्री प्लान था, प्लान था ये इस बात के लिए कुछ नहीं, हमार को इस बात से मतलब है कि सरकार ने या किसी ने भी किसानों पर लाठी क्यों भांजी। और एक बात बताइए, जो लीगल राइट होता है वो क्या होता है? लीगल राइट ये होता है कि आप कमर से नीचे लाठी चलाइए, आप जहां मर्जी मारे, अधिकारियों का बयान आ रहा है सर फोड़ दो, तुम्हारे बाप का राज है, सर फोड़ोगे हैं है? एक बात बताओ, जिस किसान को तुम लाठी और डंडे से मार रहे हो ना, वही तुम्हारा पेट भरने वाला किसान है। और ये लोगों की सहानुभूति के लिए एसडीएम डीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है वो तो ड्यूटी पे, क्या होता है, कुछ होता है क्या? इस देश के अंदर मरती है आम जनता, वो जो हमारा किसान भाई शहीद हुआ है ना वहाँ पर लाठी के चार्ज के दौरान खून बह रहा था किसानों के ऊपर से। ये सरकार कैसी सरकार है जिसकी औकात नहीं है दूसरे देशों से लड़ने की, वो हिंदुस्तानियों पर लाठी और डंडे भाज रही है, ये क्या इस देश के लोकतंत्र में आपको जायज़ लगता है? देखिए सरकार पे फर्क पड़वाने से हमें कोई फायदा नहीं है, हमारा फर्क है जनता के ऊपर। जनता को समझ में आना चाहिए कि एक किसान जो 9 महीने से ज्यादा बॉर्डरों पे बैठा है, अब समय है इसका घर जाने का, और ये समय जब आएगा जब इस देश की जनता एकजुट होकर इस किसान के कंधे पे अपना हाथ रख के कहेगी कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसकी लड़ाई सरकार से नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कुर्सी पे कोई ना कोई दीमक जरूर आके बैठेगी। इनकी लड़ाई है सिर्फ उससे जो इनके इनकी मांगों को पूरा नहीं करता। आत्महत्या करने वाले किसान क्यों होते हैं? आत्महत्या आज तक किसी बिजनेसमैन ने नहीं करी, किसी बिल्डर ने नहीं करी। आपसे अगर पूछ लूँ ना कि 3 बिजनेसमैन के नाम बता दीजिए जिन्होंने आत्महत्या करी हो, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसान ने किसी भी स्टेट में जहाँ खेती होती है वहाँ कितने किसानों ने आत्महत्या करी, तो सबको पता है, कोई ना कोई 10 किसानों के नाम यूँ ही गिना देगा खड़े खड़े, 10 नहीं तो 5 नहीं 3 नहीं तो 2 नाम तो गिना ही देगा आराम से, ठीक है? क्योंकि किसान आत्महत्या इसलिए करता है। आप एक बात मुझे बताइए, सरकार कहती है कि बैंक घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि और उसके लिए जिम्मेदार क्या ठहराती है? जब आप डालेंगे ना गूगल पे सर्च करने के लिए कि बैंकों की बुरी हालत का जिम्मेदार कौन है, तो दूसरी लाइन पे लिखाता है कि किसान जो है वो बैंकों की बकाया राशि पे नहीं करते, जिसके कारण बैंक घाटे में जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, लाखों करोड़ों खरबों रुपये का लोन किसे देती है सरकार? उद्योगपतियों को, और वो उद्योगपति जो ऐसा लगता है कि बाप की बारात में आए और वहाँ भग जाते हैं विदेश में। मोदी जी लॉकडाउन से पहले खूब चिल्ला रहे थे, नीरव मोदी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, न जाने के लंदन से पैदल आ रहा है जो अब तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है, अब तक नहीं आया वो देश में। विजय माल्या आज तक नहीं आया देश में, लेकिन जिम्मेदार किसे ठहराना? किसान को। किसान अगर बैंक से 50,000 रुपये कर्जा ले लेना तो बैंक वाले उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं, लेकिन बैंक वालों की और सरकार की इतनी औकात नहीं है कि आज तक विजय माल्या को और नीरव मोदी और लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता का, सरकार का नहीं जनता का लेके गए हैं, उसको वापस इस देश में लिया है, बताइए है? और वो तो जेटली जी से मिलके भी गए थे, आपने सभी ने देखा है, झूठ बोलने वाली की बात है उसमें, आपने सभी ने देखा है। तो इसलिए सरकार से सवाल करिए, और सरकार से सवाल करना आपका अधिकार है लोकतंत्र में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।